देखिए, उसमें हमारे पास में कल मुकदमे दिए गए हैं हमें, हमने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। अब उसमें जो भी अनुसंधान की आवश्यकता है, एक हमने सीनियर लेडी ऑफिसर को लगाया है और जल्दी से जल्दी उसमें जो भी अनुसंधान बनता है वो करा करके जो उचित कार्यवाही होती है। किस तरह का मुकदमा है सर? Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. देखिए, मुकदमा जो महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी को लेकर के जो सेक्शंस हैं, 354 हो गया, 292 हो गया, इस तरह की जो सेक्शंस हैं जिसमें किसी महिला को अपमानित करने का प्रयास या फिर किसी महिला को सोशल मीडिया पे जा करके कोई ऐसी टिप्पणी करके उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया गया हो, उस तरह के मामले हैं उसमें सेक्शंस लगे हुए, जिसका मुकदमा कल हमने दर्ज किया है। अब उसमें अनुसंधान से जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे उसके बेसिस पर आगे कार्रवाई। मुझे मैंने ज्ञापन देना है कि जो सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप जो एक अच्छे काम के लिए काम आना चाहिए, लेकिन आज प्रक्रिया ये हो रही है कि महिलाओं के लिए इस तरह से अभद्र इसके ऊपर कमेंट्स करे जा रहे हैं, वीडियो डाले जा रहे हैं, और इस तरह के महिलाओं के क्या महिला की कोई इज्जत नहीं है? महिलाओं को सरेआम बदनाम किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह के, तो मैं आज ये ज्ञापन देना है महिलाओं के प्रति कि इस तरह के व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे बंद किए जाए, और अगर नहीं करता तो उसके कानूनी खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी सरकार गहलोत साहब बहुत संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, वो भी चाहेंगे कि ऐसा ना हो, तो हमने अभी एसपी साहब को इनको ज्ञापन दिया है कि महिलाओं की जो इज्जत उछाली जा रही है उसे बंद किया जाए, सोशल मीडिया पे बंद किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उग्र रूप लेगा और महिलाएं सड़कों पर आ जाएंगी। अश्लील वीडियो है, कमेंट्स हैं, और जो कोई ऐसी महिला है, जो किसी के कई बार ऐसा भी होता है, महिला बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन लगता है लोगों को कि हमारे उसमें नहीं आएगी, तो उसकी वीडियो बना लेते जबरदस्ती, और वीडियो बना के उसकी डाल देते हैं, उसके अपशब्द बोल देते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, आप खुद भी जानते हो कि कौन कौन लोग ऐसे हैं। आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे तो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा मिल जाएगा आपको, सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। क्योंकि मैं नाम लेने से ये नहीं कहना चाहती कि कौन ऐसा कर रहा है, ना मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई बीजेपी का आदमी कर रहा है, ना ये कहना चाहती हूँ कि कोई कांग्रेस का आदमी कर रहा है, लेकिन जो भी हो, चाहे मेरे घर से ही नहीं हो, मेरे घर का भी अगर एक व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो भी कानूनी अपराध है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। इसलिए एसपी साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, एसपी साहब ने ये कहा है कि सीएम साहब ने एक स्पेशल फोर्स अभी टीम बना रखी है, हम उसको जांच के आदेश देंगे और हम जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपका नाम? द्रौपदी कोहली, राष्ट्रीय संयोजक महिला विंग अखिल भारतीय कोहली समाज पार्षद और महिला संयोजक।